Very good morning, children. This video is the first part of chapter 8, that is the index number. Firstly, we'll do the numerical part, then we'll try to understand theoretically in our next video the concepts of index numbers. So, अभी जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, माउस पॉइंटर को देख रहे हैं, इंडेक्स नंबर में पहला लिखा लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स और पास्ट चेयर्स प्राइस इंडेक्स. इसका फॉर्मूला क्या है? सम करना है आपको P1Q0 का, यानी P1 इंटू Q0. P1 क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी इन करंट पीरियड. और P0 क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी इन बेस पीरियड. उसके बाद Q0 क्या है? बेस ईयर क्वांटिटी. और Q1 क्या है? करंट ईयर क्वांटिटी. तो इस तरह से आपको वैल्यूज मिलेंगी और आपको क्या करना है, P1 को यानी कि प्राइस जो करंट ईयर पीरियड का है या करंट ईयर प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करना है बेस ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर प्राइस इंटू बेस ईयर क्वांटिटी. और फिर उस कॉलम को जो तैयार हो जाएगा उसका सम बाद में करना है, ये हम निकालना सीख चुके हैं. समेशन का मतलब होता है पूरा कॉलम तैयार होगा इस प्रोडक्ट का और उसका सम करेंगे डिवाइड बाय. इसी तरह ये है बेस ईयर प्राइस और बेस ईयर क्वांटिटी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका सम करेंगे. तो बस सिंपल सा इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स बन जाएगा. इसी तरह पास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स में आपको जो डिफरेंस लग रहा है इसके अंदर, तो बेस ईयर क्वांटिटी ले रखी है और इसमें करंट ईयर क्वांटिटी, यानी करंट ईयर प्राइस इंटू करंट ईयर क्वांटिटी डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस और करंट ईयर क्वांटिटी इंटू 100. तो सम करना है इसका. तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे. लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स में जैसे हमारे को ये वैल्यूज मिल रखी हैं, यानी ये बेस ईयर प्राइस है, ये बेस ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर क्वांटिटी. तो हमारे को लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स निकालना है तो क्या करो, P1Q0 निकालो. तो ये प्रोडक्ट निकाला है P1 इंटू Q0, यानी P1 कितना है 4 और Q0 क्या है 10. तो 4 इंटू 10 40. फिर P1Q0 6 इंटू 12 72. 5 इंटू 20 100. 3 इंटू 15 45. तो ये P1Q0 आ गया. इसका सम निकालेंगे क्योंकि हमारे को रिक्वायरमेंट है फॉर्मूले में. लास्ट पेज में क्या आता है, P1Q0 का सम करो. तो P1Q0 का सम करा तो 257. इसके बाद P0Q0 डिवाइड करना है हमारे को. P0Q0 का है यानी बेस ईयर प्राइस और बेस ईयर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी P0 2 और 10 Q0 20 आ गया. 5 इंटू 12 60. माउस पॉइंटर को देखेंगे स्क्रीन पे ध्यान से. 4 इंटू 20 80 आ गया. 2 इंटू 15 30 आ गया. तो ये P0Q0 का भी सम करा तो ये आ गया 190. सिंपली हमने इसको डिवाइड कर दिया 257 डिवाइड बाय 190, जैसे फॉर्मूला ही था हमारा. सम P1Q0 जो कि 257 डिवाइडेड बाय सम P0Q0 जो कि 190. 257 अपन 190 किया इंटू 100 जो फॉर्मूला है हमारा. तो हमारे पास जो आंसर आया हुआ है 135.3. इसको कैसे पढ़ेंगे, देर इज ए प्राइस राइज ऑफ 35.3%, यानी 35.3% से प्राइस बढ़ा है. ये इंडेक्स नंबर यही बताता है. हम आगे इसको थ्योरेटिकली भी जब पढ़ेंगे कंसेप्चुअली सेकंड वीडियो में तो हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ये इंडेक्स नंबर्स का काम क्या होता है. उसके बाद पास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स में तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं करंट ईयर क्वांटिटी से. तो ये करंट ईयर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया P1 को पहले, यानी 4 इंटू 5 ये 20 आ गया. उसके बाद 6 इंटू 10 60 आ गया. P1 Q1 निकाल रहे हैं, सिंपल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं. 5 इंटू 15 75. 3 इंटू 10 30 आ गया. उसके बाद सेकंड, क्योंकि फॉर्मूले में हमें रिक्वायर्ड है P0Q1 भी है. देखो ये रहा फॉर्मूला. तो P0Q1 भी हमने एक कॉलम तैयार करा, यानी मल्टीप्लाई करना है बेस ईयर प्राइस को करंट ईयर क्वांटिटी. तो ये रहा बेस ईयर प्राइस 2 इंटू 5 10. उसके बाद P0Q1 करना है P0 5 Q1 10 50. P0 4 Q1 15 60. P0 2 Q1 10 20. तो इसका सम करा तो आया P0Q1 का सम 140. तो सिंपल हमने फॉर्मूले में इसको पुट कर दिया. P1Q1 कितना है 185 डिवाइड बाय 140 इंटू 100 132, यानी प्राइस देयर इज प्राइस राइज ऑफ 32.1%. ये लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स और पास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स हमने थोड़ा सा सीखा. उसके बाद आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI. इसका फॉर्मूला है समेशन WR अपॉन समेशन W. तो R जो है वो है P1 अपॉन P0 इंटू 100 और जो वेट है ये हमें क्वेश्चन में मिलेगा. तो हमारा जैसे क्वेश्चन है ये जो ब्लैक में लिख रखा है पूरा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा. और उसका आपने जो इसमें काम हमने जो स्टूडेंट को करना है वो रेड में मैंने दिखा रखा है. तो आर क्योंकि समेशन आर डब्ल्यू आर है तो पहले आप आर निकालेंगे ना. तो आर का फॉर्मूला क्या है, पी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100. तो पी वन अपॉन पी जीरो यानी 145 अपॉन 150 इंटू 100. इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आर हमारे पास तैयार होता जाए, यानी पी वन यानी 23 1 P0 25 इंटू 100.
इस तरह से हमने एक ने आर तैयार कर लिया, उसके बाद वेट को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 35 × 96.67, तो ये आ गया डब्ल्यू आर 3383.45। तो इस तरह से डब्ल्यू आर यानी 10 × 92 920 आ गया, 20 × 86.67 1733.40 आ गया। तो इस तरह से डब्ल्यू आर का कॉलम तैयार हुआ, इसका सम करेंगे कि फॉर्मूले में रिक्वायर्ड है, यह आया 9786.85। समेशन डब्ल्यू आर 9786.85 और समेशन डब्ल्यू ये रहा 100, वेट्स हैं ये, 100 से डिवाइड कर दिया तो यह आया 97.86। इसका यह मतलब है कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज़ डिक्लाइंड बाय, यानी सी पी आई क्या बताता है हमें, कॉस्ट ऑफ लिविंग बताता है एंड इट हैज़ बीन डिक्लाइंड बाय 2.14%। दोबारा से एक बार ध्यान से देखेंगे, आर जो रिलेटिव बोलते हैं, इसको रिलेटिव कैसे निकलता है, पी वन यानी करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय पी जीरो यानी बेस ईयर प्राइस, तो उससे पी वन अपन पी जीरो इंटू 100 करेंगे तो आर की कैलकुलेशन के लिए कॉलम एक अलग से आपको तैयार करना पड़ेगा, इसको साइड में करना पड़ेगा आपको कैलकुलेशन को। तो पी वन अपन इसमें तो सिर्फ वैल्यूज लिखनी होती है, आर में पूरा कैलकुलेशन नहीं आती है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू लिखेंगे। कैसे निकालते हैं, पी वन अपन पी जीरो इंटू 100 यानी पी वन अपन पी जीरो यानी 145/150 × 100। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हुए हमारे को आर का कॉलम बनाना है फॉर्मूले में, क्योंकि समेशन ऑफ डब्ल्यू आर है यानी डब्ल्यू इंटू आर है इसका मतलब, तो डब्ल्यू और आर का प्रोडक्ट निकाला यानी मल्टीप्लाई किया, डब्ल्यू यानी वेट्स 35 इंटू आर यानी 96.67, तो 35 × 96.67 तो ये वैल्यू आ गई डब्ल्यू आर 33383.45। इसी तरह एक और बताता हूँ, जैसे 10 × 92 यानी डब्ल्यू आर यानी डब्ल्यू इंटू आर यानी 10 × 92 920, 20 × 86.67 1733.40 यानी डब्ल्यू आर डब्ल्यू इंटू आर यानी 20 × r 86.67। सिंपल हम कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूले में, हम लिखेंगे समीशन डब्ल्यू आर अपन, तो हमारा सी पे निकला है। इस पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 17 एक बता रखा है, जैसे आपको एक सैलरी दे रखी है बेस ईयर के अंदर, जैसे जैसे 4000 है इसमें, 4000 रुपीज़ 4000 दे रखा है, करंट ईयर में अगर सैलरी 6000 है और सी पी आई दे रखा है 400, तो हाउ मच सैलरी बी रेज टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो बेस ईयर में था उसका। तो इसका फॉर्मूला होता है बेस पीरियड सैलरी इंटू सी पी आई अपॉन 100, तो इसको करा कैलकुलेट तो 16000 आया, यानी उसको अगर सेम स्टैंडर्ड मेंटेन करना है बेस ईयर पीरियड में, उसकी सैलरी 16000 होनी चाहिए, यानी उसकी कम है सैलरी। वैसे हमें देखेंगे, हम अगर समझेंगे नहीं इसको सी पी आई, तो हम ऐसा समझेंगे कि सैलरी तो बड़ी है, जैसे सपोज करेंगे कि हम बेस ईयर को हम 2015 ले रहे हैं और करंट ईयर 2020 ले रहे हैं, तो उस हिसाब से हम बोलेंगे कि सैलरी बड़ी है, एक्चुअली जबकि बड़ी नहीं है, क्योंकि हम उसको समझेंगे आगे जो हमारा सेकंड वीडियो आएगा थ्योरेटिकल वाला, क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं, क्योंकि खर्चे भी बढ़े हैं, कॉस्ट जिसको महंगाई बोलते हैं, तो उस हिसाब से इसकी सैलरी 16000 होनी चाहिए थी, तब जाके ये जो 4000 हैं बेस ईयर में वो इसी के बराबर है 16000 की, उसका सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही रहेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ नहीं रहा है, यानी हम बोल रहे हैं कि 6000 जो हम करंट ईयर सैलरी थी वो कम है, तो इट शुड बी रेज बाय 10000 रुपीज़, सैलरी शुड बी रेज बाय 10000 रुपीज़। तो ये आपको सिंपल सा चैप्टर है, इतने न्यूमेरिकल से इसमें ज़्यादा नहीं है, आपको इस स्लाइड्स में लिखना है।